तो सर, हम इस वीडियो में बात करने वाले कि आप डेली कैसे इंस्टाग्राम पे 1000 फॉलोअर्स या 500 फॉलोअर्स डेली बना सकते हो, डेली बेसिस पे बना सकते हो। हाउ टू मेक 1000, 5000 या 500 फॉलोअर्स डेली, हाउ टू मेक फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, हाउ टू गेट फ्री फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, हाउ टू गेट फास्ट फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। सो आप ये कैसे कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, इसका आज मैं पूरा आपको सच्चाई बताने वाला हूँ और पूरी सच्चाई आपके सामने खोल के रखने वाला हूँ कि क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है। उससे पहले गाइज, आप सबका करता हूँ आपके अपने चैनल ऑनलाइन मनी में आपका स्वागत। गाइज, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि मैं आपको यहाँ लेजिट वे देता हूँ ऑनलाइन अर्निंग के, कि आप कैसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल कंडीशन है उसको सुधार सकते हैं और काफी बड़ा चेंज ला सकते हैं अपने खुद के लाइफ में, अपनी खुद की ब्रांडिंग करके। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे चैनल बने रहो और ऐसे ही हमारी ऑनलाइन मनी की जो फैमिली है, हम सब की जो मैंने एक चैनल बनाया और इतनी बड़ी जो फैमिली है हमारी, उन सब के साथ जुड़ने के लिए नीचे आपको एक बेल का आइकन दिखेगा, उसको तो प्रेस करना ही है, लेकिन उससे पहले आपको रेड कलर का एक बटन दिख रहा होगा, उसको आपको प्रेस करना है, दबाना है, जिसको सब्सक्राइब कहते हैं, और फिर उसके बाद बेल का आइकन प्रेस करना है ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलती रहे। तो दोस्तों, बिना लेट किए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या ऐसा सच में होता है या नहीं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो उसमें आपने टाइटल थंबनेल दोनों ही पढ़ लिया होगा और मैं श्योर हूँ कि बहुत सारे लोग टाइटल और थंबनेल देख के ही इस वीडियो पे आए होंगे देखने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं सबसे बहुत बड़ी माफ़ी मांगना चाहूँगा कि दोस्तों मुझे माफ़ कर दो, मैंने क्लिक बेट का यूज़ किया इस वीडियो पे और आप लोगों को इस वीडियो पे लेके आया हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं आपको यहाँ एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, बहुत ही ज़रूरी बात जो आजकल हो रही है, क्योंकि आजकल एक दौर है इंस्टाग्राम का, लोग इंस्टाग्राम के पीछे पागल हैं, सबको फॉलोअर्स चाहिए, सबको इन्फ्लुएंसर बनना है। तो दोस्तों, आपको ये चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है जो आपके लिए ही बेस्ट है। तो दोस्तों, अगर आप सोचते हो कि मैंने आपके साथ गलत किया है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, या आप सोचते हो कि आपके लिए वीडियो वैल्यूएबल नहीं होगी, क्योंकि मैं यहाँ आपको बताऊंगा कि आपके लिए कितना हार्मफुल है ये चीज़ जो आप कर रहे हो। तो अगर आप सोचते हो ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, या आप अपने प्राइवेट चीज़ों को उतना मान सम्मान नहीं देते हो, सोचते हो कि ऐसे ही हम अपनी प्राइवेट चीज़ें शेयर कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। अगर सोचते हो कि अगर आपको कुछ वैल्यू चाहिए कि आप क्या गलत कर रहे हो, तो आप इस वीडियो में बने रहो, मैं आपको कुछ पॉइंट्स दूंगा जो आप बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे हो अगर आप 1000 10000 ऐसी वीडियोस के पीछे भाग रहे हो जो आपको फॉलोअर्स दे रहे हैं। तो दोस्तों, क्या होता है आजकल, क्या चल रहा है, चल ये रहा है मार्केट में कि बहुत सारे ऐसी साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, लोग हैं जो फॉलोअर्स बेच रहे हैं। इवन आप बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखते हो जिसमें 10K फॉलोअर्स, 5000, 10000, 1000, 2000 डेली बेसिस से फॉलोअर्स आपको दिए जा रहे हैं। तो क्या आपको पता है कि आपको फॉलोअर्स कहाँ से दिए जा रहे हैं? आप नहीं जानते हो फॉलोअर्स आपको कहाँ से दिए जा रहे हैं। तो क्या होता है, कई वीडियोज़ में आपको बताया गया होगा कि आपको इस साइट्स पे जाना है, इस ऐप पे जाना है, रजिस्टर करना है। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ, पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप किसी साइट पे जाते हो तो वो आपका जो प्राइवेट चीज होता है, ठीक है, अगर आप कंप्यूटर में हो, एक ब्राउजर में हो, तो वो आपके प्राइवेट ब्राउजर को, मतलब कंप्यूटर में एक ब्राउजर है, मान लो आपका क्रोम है, तो आप उसमें यूज कर रहे हो अगर अपने इंस्टाग्राम को, ओके, तो आपका जो ब्राउजर की चीजें हैं ना, वहां आप किसी साइट में साइन अप करते हो अपने इंस्टाग्राम से, तो वहाँ की आपकी सारी डाटा को चोरी कर लिया जाता है। यस गाइस, आपके पूरे डाटा को चोरी कर लिया जाता है। अब चाहे आपका उसमें नेट बैंकिंग हो, चाहे कुछ भी हो, आपका पूरा डाटा चोरी होता है और किसी थर्ड पार्टी के हाथ में रहता है। वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं, इवन आप उन्हें नहीं जानते हो। तो सबसे बड़ी गलती तो आप यहीं करते हो। अगर आप मोबाइल में यूज़ कर रहे हो तो वहाँ आप क्या मिस्टेक करते हो, वहाँ आपकी सारी चीज़ें खुली रहती हैं, आप किसी ऐप में एंटर करते हो, वहाँ आपको टास्क करना रहता है या आपको कुछ चीज़ें कंप्लीट करनी रहती हैं जिसके बाद आपको फॉलोअर्स मिलता है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये गलती होती है कि आपका जितना भी डाटा रहता है वो ले जाते हैं, उड़ा के ले जाते हैं, और सबसे बड़ी बात ये आपके प्राइवेट
डाटा होते हैं जो उनके पास चल जाता है, किसी थर्ड पार्टी के हाथ में चले जाता है। दूसरी चीज़ ये कि आप अपना खुद का पर्सनल, क्या आप किससे बात कर रहे हो, आप क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हो, ये सारी चीज़ें थर्ड पार्टी के हाथ में, मतलब जिन साइट्स में आप रजिस्ट्रेशन करते हो फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए या जिस ऐप में आप रजिस्ट्रेशन करते हो, वो सारी चीज़ें देखते हैं और चुराते हैं अपनी मार्केटिंग के लिए। इस यहाँ पर क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ आपकी जितनी भी पर्सनल चीज़ें वो नहीं रह जाती हैं और वो दूसरे के हाथ में जाती है, जो बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। अगर आपको फेसबुक का अभी का जो लेटेस्ट केस था, पता होगा कि कितना ज्यादा डाटा चोरी हुआ और क्या क्या उससे फर्क पड़ा, तो आपको पता होगा कि डाटा का मतलब क्या होता है। तो यहां तो सबसे बड़ी गलती आप ये कर ही रहे हो। और गाइज मैं बता दूं, अगर आप सोच रहे हो कि आप इतना फॉलोअर्स बढ़ा के, जो दूसरा सबसे बड़ा गेम चेंजर मैं आपको बता रहा हूँ, कि अगर आप सोच रहे हो कि आप इतने फॉलोअर्स यहाँ से खरीद के, या आप सोच रहे हो इतने फॉलोअर्स यहाँ से गेन करके, फ्री की वेबसाइट्स में जाके इतने फॉलोअर्स गेन करके आप इन्फ्लुएंसर्स बन सकते हो, इन्फ्लुएंसर्स जोन में जा सकते हो, इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, तो ये बहुत ही गलत सोच है आपकी। क्योंकि गैस कोई भी कंपनी इतनी पागल नहीं है, बेकार नहीं है, चूतिया नहीं है कि आपको ऐसे ही कुछ भी उठा के दे देगी मार्केटिंग करने के लिए। ओके, क्योंकि गैस वो भी चीज़ें देखते हैं, वो भी चीज़ें समझते हैं और आपको आराम से प्रिडिक्ट करते हैं कि आपका क्या एंगेजमेंट है, आपके फॉलोअर्स एक्टिव हैं या नहीं है। क्योंकि इन केस आपके फॉलोअर्स भी यहाँ एक्टिव नहीं रहते हैं, ये सब वो फॉलोअर्स होते हैं जो डेड रहते हैं, ये जो डेमो अकाउंट्स आप सुना होगा, वो सारी चीज़ें होती हैं जो अकाउंट बिल्कुल एक्टिव नहीं होते हैं। ये आपको फॉलोअर्स बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे, 101% देंगे, लेकिन ये फॉलोअर्स किसी काम के नहीं रहते हैं, जो आपके निश आपके सब्जेक्ट के नहीं रहते हैं। अगर आपका कोई भी आप फैशन ब्लॉगर हो, एंटरप्रेन्योर हो, तो ये आपके सब्जेक्ट के नहीं रहते हैं और ये आपको सिर्फ ठगने का काम करते हैं और कुछ भी नहीं। इवन कई लोग इसका चार्जेस भी लेते हैं, फ्री वाले तो सिर्फ डाटा चोरी कर रहे हैं, जो चार्जेस लेते हैं वो डाटा भी चोरी करते हैं, पैसे भी आपके हाथ से ले जाते हैं और आपको मिलता है ठेंगा। तो आप ऐसे कभी इन्फ्लुएंसर बन ही नहीं सकते। थर्ड जो सबसे ज़रूरी चीज़ मैं बता दूँ, सबसे भयानक चीज़ मैं बता दूँ आपको, जो आपके साथ होने वाली है या हो सकती है अगर आप इन सब चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, तो वो ये चीज़ है गाइज, वो ये है कि इंस्टाग्राम बिल्कुल इजी वे में आपको फाइंड कर लेता है कि आप कितने बड़े लोल हो। ठीक है, बिल्कुल इजी वे में अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, तो इंस्टाग्राम भी आपको ट्रिगर कर रहा है और कभी भी आपके अकाउंट को सस्पेंड या ब्लॉक कर सकता है, अगर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आप ये कर रहे हो। क्योंकि इंस्टाग्राम में भी जो भी एक्टिविटी होती है आपके, तुरंत इतने फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, तो उनके भी एल्गोरिथम्स हैं जो आपको हमेशा देखते रहते हैं। तो आपके कभी भी अकाउंट को, अगर मान लो आपने 1-2 हज़ार फॉलोअर्स कर लिए हैं और फिर उसके बाद आप ये चीज़ें यूज़ करते हो कि मुझे 50 हज़ार फॉलोअर्स चाहिए, तो आपके अकाउंट को सीधा जीरो पे लाके बैन कर दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है और ऐसी वीडियोस के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है दोस्त। ऑर्गेनिक रीच के पीछे भागो अगर इन्फ्लुएंसर बनना है, अगर इंस्टाग्राम से पैसे कमाने हैं तो बी ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक रीच के ही पीछे भागो, वरना आप बहुत ही मुश्किल में पड़ सकते हो आने वाले समय में। तो इन सब चीज़ों को अपने ध्यान में रखो, ऐसी वीडियोज पर क्लिक करना बंद करो, उनको इतने बड़े बड़े व्यूज देना बंद करो और प्लीज गाइज इस वीडियो को शेयर करो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और ये 3 पॉइंट्स में जो आपको मैंने दिए हैं काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आपको अवेयर कर रहा होगा कि आपका किस मात्रा में आपके डाटा जो है वो चोरी किए जा रहे हैं और इनका यूज किया जा रहा है बिजनेस में, और आपके डाटा को बेचा जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें आपके डाटा के साथ की जा रही हैं। इवन आपके डाटा पासवर्ड्स को चोरी किया जा रहा है, दूसरी कंपनीज को बेचा जा रहा है, इन केस आपका इंस्टाग्राम भी हैक किया जा सकता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। आप फेसबुक के रिसेंट केस जाके पढ़ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड जो ऐसी गलतियां कर रहे हैं। व्हाट्सअप पे जाओ, शेयर करो, लोगों को अवेयर करो प्लीज़ गाइस। इस वीडियो का मतलब यही था कि लोगों को अवेयर करो, उनको कुछ चीज़ें पता चलें कि क्या चीज़ वो जो साइट्स हैं, वो ऐप हैं, वो क्या कर रहे हैं उनके साथ, सिर्फ उनके डाटा के साथ खिलवाड़, उनके प्राइवेट चीज़ों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो प्लीज़ गाइज गो एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, लाइक करो, हिट दबाओ और प्लीज़ बेल का आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।